असलम गाइज़ आई होप यू आर डूइंग फाइन नेम मानी सदीका टू डे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू डी एस एम फाइव डी एस एम फाइव के अकॉर्डिंग ओ सी पी डी के हम देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और uh, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डी एस एम फाइव के अकॉर्डिंग वही चीज़ के प्रवेसिव पैटर्न्स ऑफ प्री ऑकुपेशन विद ऑर्डरलेस ऑर्डरलीनेस कि हर चीज़ तरतीब से तरीके से पड़ी हो ये लोग परफेक्शनिज्म होते हैं इन लोगों में परफेक्शनिज्म होता है कि हर चीज़ परफेक्ट हो मैंटल एंड इंटरपर्सनल कंट्रोल के हर चीज़ उनके कंट्रोल में हो एट द पेंस ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी ओपननेस एंड एफिशंसी बिगिनिंग बाई अर्ली अडल्टूड एंड प्रेजेंट इन अ वाइटी ऑफ कॉन्टेक्ट एज इंडिकेटेड बाई फोर और मोर ऑफ द फॉलोइंग अब अच्छा सारे डिसऑर्डर में हमने पढ़ा कि कम से कम पाँच और ज्यादा सिम्टम्स होने चाहिए लेकिन यहाँ पे है कम से कम चार सिप्टम्स और यहाँ पर जिससे यह ज्यादा हों और यहाँ पर जब हम डिस्कस करें तो यहाँ पर यह चीज़ आ रही है कि वो लोग कंट्रोल होते हैं कंट्रोलिंग फ्रीक होते हैं कि हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं हमेशा ऑर्डरलेसनी ऑर्डरलीनेस uh, पे वो फोकस रोते हैं इंटरपर्सनल uh, रिलेशनशिप्स को भी कंट्रोल करना चाहते हैं और एफिशिएंसी uh, उन लोगों में होती है अब हम बात करते हैं इज ऑफ प्री विद डिटेल्स रूल्स लिस्ट ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन और शेड्यूल्स टू बी एक्सटेंड दैट द मेजर पॉइंट ऑफ द एक्टिविटीज़ लॉस्ट कि इस हद तक वो लोग तरतीब चीज़ों और इन सब रूल्स इन सब पे फोकस्ड होते हैं कि उन लोगों को मेजर एक्टिविटी नहीं पता अच्छा इसमें एक मैं पर्सनल सी एग्जांपल ऐड करती हूँ जब हम लोगों ने इंटर्नशिप की और केस रिपोर्ट्स बनानी थी तो उधर हमारी सुपरविज़न सुपरवाइज़र थी सुपरवाइजर मिस सुपरवाइजर ने इतना ज़्यादा फोकस किया रिपोर्ट्स में कि हम लोग अपनी वर्क क्वालिटी छोड़ के रिपोर्ट्स क्वालिटी पे फोकस करने लगे कि अच्छा हमें ये भी पता होना चाहिए ये भी करना है अच्छा यहाँ पे ये चीज़ आएगी यहाँ पे ये पैरा यहाँ पे ये पॉइंट ये पॉइंट भी हमने फिगर आउट करना है कि हम उस बंदे की हिस्ट्री की दर पीछे इतने चले गए इतने ज़्यादा उस बंदे के हिस्ट्री पर चले गए कि हम लोगों के मैनेजमेंट प्लान्स ट्रीटमेंट प्लान्स जो उनसे थे वो वीक हो गए और एक होते जो आ, वर्क प्लेस एक्टिविटीज़ जो उनसे होती हैं उसमें क्रिएटिविटी नहीं हम इंड्यूस कर पाए बल्कि वही की सी सी थी बस हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने हिस्ट्री अच्छे से कवर करना चाहिए केस फॉमोलेशन अच्छे से हो वो चीज़ फोकस की मतलब कि हमारी रिपोर्ट्स तो लश पश एक एक चीज़ एक एक हैडिंग फॉर्मेट के साथ सही स्पेस के साथ मार्जिन स्पेसेस सारी सही हैडिंग सही इवन के हमारा जो सब टाइटल पेज का लोगो था वो भी सही था लेकिन एक चीज़ जो एक हमारे बीच आनी चाहिए थी वॉकिंग की ठीक है इंडिपेंडेंट वर्किंग इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए थी वो ना आ सकी जबकि हमारी उस इंटर्नशिप का मकसद क्या था कि हम इंडिपेंडेंटली उस जगह या उस पर्टिकुलर वे में उस पर्टिकुलर फील्ड में कर सकें ठीक है तो एक जगह जब हमारे एक सब्जेक्ट रिलेटेड की थी इंटर्नशिप तो तब ये हुआ था पर्सनल एक्सपीरियंस कि इस तरह होता है कि हम लोग एक्टिविटी का जो पर्पज़ होता है वो लूस्ट हो जाता है वो घूम भी जाता है रूल्स फॉर्मेट ऑर्डर इन डिटेल्स के चक्कर में ठीक है लाइक कि हमारा इंटर्नशिप का मकसद क्या होता है कि आपको इतना एक्सपीरियंस हो कि आप आइंदा वो चीज़ इं, इंडिपेंडेंटली कर सको ठीक है लेकिन हमारे हम हमें डिपेंडेंट ही थे एट द एंड ऑफ द डे भी हम डिपेंडेंट ही थे क्योंकि उन्हें इतनी इतना उन्हें ऐसे नहीं ऐसे था ऐसे ऐसे नहीं ऐसे था इतना, 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 इतना क्रिटिसाइज़ किया गया हमें कि हम उस क्रिटिसाइजम में फंस के तो जो हमने करना था वो किया नहीं खैर मैं दुख रही नहीं रही बस आपको एग्जाम्पल दे रही थी ओके okay, अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं शोज़ परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर्स इंट टास्क कम्प्लीशन वही चीज़ के टास्क कम्प्लीशन भी काफ़ी डिलेड हो जाती है और तकरीबन उसके बाद फिर हमारा जो सा था था उस, उसका वाइवा जो सा था उस सब्जेक्ट का उस इंटर्नशिप का वो तकरीबन तीन से चार महीने लेट हुआ था ठीक है और अच्छा अनेबल टू कम्प्लीट अ प्रोजेक्ट बिकॉज हिज और हर ऑन ओवरली स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट वही चीज़ कि उन लोग उनके ख़ुद ही ओवरली स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स थे वो uh, मिल नहीं रहे थे जिसकी वजह से फिर हमारा वाइवा भी वाई 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 दो से तीन महीने um, लेट गया उसके बाद इज एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क एंड प्रोडक्टिविटी टू द एक्सक्लूजन ऑफ लेयर एक्टिविटीज़ एंड फ्रेंडशिप्स वही चीज के ये लोग एक्सेसिवली अपने सिर्फ वर्क फोकस्ड होते हैं काम फोकस्ड होते हैं कि uh, उन लोगों ने पर, uh, एक होती है प्रोडक्टिविटी लेयर एक्टिविटीज़ फ्रेंडशिप्स वो चीज़ें जो उनसे होती हैं उन पर वो इतना ज़्यादा नहीं करते उन लोगों की प्रोडक्ट क्राइटेरिया थर्ड है इज़ एक्सक्लूसिवली एक्सेसिवली डिवोट के ये लोग अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोट होते हैं एक्सेसिवली डिवोट होते हैं और प्रोडक्टि प्रोडक्टिविटी भी इन इन लोगों की इनके काम के रिलेटेड ही होती है सिर्फ अपने काम के लिए ये लोग फ्रेंडशिप के लिए या लेर एक्टिविटीज़ के लिए ना डिवोट होते हैं ना ही इन लोगों की एज सच कोई प्रोडक्टिविटी होती है इन फ्रेंडशिप्स और लेगर एक्टिविटीज़ में ठीक है ये यहाँ पे उनके एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में होते हैं लेयर एक्टिविटीज़ एंड फ्रेंडशिप इंक्लूजन एरिया फॉर प्रोडक्टिविटी एंड डिवोशन जिनसे वो वर्क ही है उसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ क्राइटेरिया की इज ओवर कॉन्सिस्टेंशियस एंड स्क्रपलेस एंड इनफ्लैक्सिबल अबाउट मैटर्स ऑफ मॉरेटी एंड एथिक्स एंड वैल्यूज़ वही जो कुछ बुजुर्ग होते हैं ना जो मोरल्स वैल्यूज़ एथिक्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो ये लोग भी वैसे ही होते हैं कि अपने कल्चरल फैक्टर्स अपने रिलीजियस फैक्टर्स इन सब लोगों को लेकर पसंद टाइप्स होते हैं ठीक है लेकिन ये टर्म वैसे एक्सट्रीम कर जाएगी लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए इज़ अनएबल टू डिस्कार्ड वार्न आउट एंड वॉरलेस ऑब्जेक्ट्स कि वही चीज़ के ये लोग वॉन आउट और वॉरलेस ऑब्जेक्ट्स को फेंक नहीं सकते ऑल तो वो इन लोगों के किसी काम की नहीं है लेकिन फिर भी और उनके साथ उन वॉन आउट और उन पुरानी कदीम चीज़ों के साथ इन लोगों की कोई सेंटिमेंटल फीलिंग्स भी या वैल्यूज भी अटैच नहीं है लेकिन स्टिल ये उन लोगों को संभाल संभाल के रखते हैं उसके अलावा इज़ रिलेक्टेंट टू डेलीकेट टास्क और टू वर्क विथ अदर्स अनलेस दे सबमिट टू एग्जैक्ट हिज और हर वे ऑफ डूइंग थिंग्स वही चीज़ कि ये लोग उन लोगों के साथ काम ही नहीं कर पाते या काम करना ही नहीं चाहते उन लोगों के साथ जो कि अपने तरीके से या मुख्तु तरीके से काम करने की आदि होती है इन लोगों को होता है कि मैं उन लोगों के साथ ही काम करूँ जो कि मेरे तरीके से काम कर सकते हैं या मेरी तरह काम करते हैं तो ये चीज़ भी है इन लोगों में अडेप्स टू मिसरली स्पेंडिंग स्टाइल टू वर्ड्स बहुत सेल्फ एंड अदर्स माइजरली ओके जब बात माइजरली मतलब के बहुत कंजूस किस्म के लोग होते हैं अपने लिए और लोगों के पे जब खर्च करने की बात आती है तो लोगों की कंजूसी जाग जाती है वही चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि ओ सी पी डी के सारे का सारा क्राइटेरिया जो सा वो मैच कराओ कम से कम अगर चार भी फुलफिल हो रहे हैं ना तो हम ये डायग्नोस कर सकते हैं ये हो सकता है कि उस बंदे में बाकी सारी क्वालिटीज़ हो लेकिन ये चीज़ ना हो कि वो शाह खर्च लेकिन वो शेख खर्च ना हो वो शाह खर्च हो ये मतलब कि दिल हा, खोल के और हाथ खोल के खर्च करने वाला हो हो सकता है उसी पीटी में ठीक है लेकिन फिर भी एक काम है कि मे बी वो कंजूस खर्च कंजूस भी हो सकता है ठीक है मनी इज़ व्यूड एज समथिंग टू बी हॉवर्ड फॉर फ्यूचर कैटेस्टॉप्स के वही चीज़ के उसको होता है कि ये, ये जो सा पैसा है इसको मैं इकट्ठा करूँ और मैं भी ये कल मेरी किसी दूसरी मुश्किल में या किसी फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए काम आए शोज़ रिजिडिटी एंड स्टम्परनेस स्टरंप, के वही चीज़ के ये लोग रिजिट होते हैं और इंतहा ज़िद्दी होते हैं उसके अलावा अगर हम प्रिवलेंस इस चीज़ की चेक करें तो सबसे कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की जो प्रिवलेंस है प्रविलेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे जनरल पॉपुलेशन में जब देखा गया तो एस्टिमेटेड प्रविलेंस जो सी इसकी है टू पॉइंट वन परसेंट टू सेवन पॉइंट नाइन परसेंट अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ऑल दो मुझे तो बिल्कुल सही लगा और ये हमारे रोज़मर्रा के काफ़ी लोगों में पाया जाता है मेरी तो काफ़ी मेरी और काफ़ी इंसिडेंट्स बने थे अगर आपका कोई है तो आप कमेंट में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं हमारे साथ उसके अलावा आई हब आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप हमें सपोर्ट करते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें करते रहें लाइक करते रहें कमेंट करते रहें शेयर करते रहें दैट्स ऑल डैट मैटर्स टू अस कि आप हमें सपोर्ट करें